तो आज का जो रिक्रूटमेंट आया है वो टाटा पावर से आया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जॉब है। तो इस जॉब को आपके अप्लाई करने के लिए जो प्रोसीडियर रहेगा और इसका जो क्वालिफिकेशन का डिटेल्स रहेगा पूरा इस जॉब में मैं बताऊंगा आपको, इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो देखिए, जो टाटा पावर से जो रिक्रूटमेंट आया है वो ओडिशा में आपको जॉब लोकेशन होगा और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है प्राइवेट सेक्टर में। बीए बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो आप इस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे एज लिमिट जो दिया गया है वो डिस्कस किया गया नहीं है, आप अप्लाई करिए तभी आप पता चलेगा। और फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन जो प्रोसीडियर रहेगा आपका क्वालिफिकेशन का रैंकिंग वाइज, मतलब आप जितना जितने सारे क्वालिफिकेशन है और उसका जो नंबर है उस नंबर में आपको मेरिट वाइज आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और सैलरी पैकेज भी बताया गया नहीं है। 15,000 प्लस आपको सैलरी पैकेज मिलेगा अप्रोक्सीमेट, आप मान के चलिए। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए, बीए बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ही आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा वाला कोई ट्रेड में आप नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ पे। और जॉब रोल होगा वो ऑपरेशन का होगा, मेंटेनेंस का होगा, टेस्टिंग का होगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर का होगा, प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में आपको क्वालिफाइड मतलब जॉब मिलने वाला है। और उसके साथ आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखिए, 60% आपको मैट्रिकुलेशन में, 60% एचएस में, 60% आपको आपका सेमिस्टर के 60% मार्क्स लेकर आप क्वालिफाइड हो तो अप्लाई करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि इस परसेंटेज आपका आपके पास नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, आपको एटीकेटी एंड ड्रॉप, मतलब कौन सा भी ईयर में आप ड्रॉप आउट नहीं हो तो आप अप्लाई करिए, मतलब आप ड्रॉप आउट हो चुके तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। और इसका लास्ट डेट दिया गया नहीं है, 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन का प्रोसीडियर यहाँ पे दिया गया है, तो अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में जाकर आपको क्या करना है, पूरा डिटेल्स देख लेना है, मतलब नोटिफिकेशन यहाँ से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आप अप्लाई में क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस देखिए 0 to 1, मतलब फ्रेशर से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई में क्लिक करना, तो अप्लाई में जब क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है, तो न्यू यूज़र पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका नाम डाल दीजिए, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका पासवर्ड और कॉन्फर्म पासवर्ड कर दीजिए, उसके बाद साइन अप कर दीजिए। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए वही साइन इन पेज में जाना होगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर साइन अप कर लीजिए। उसके बाद बाकी डिटेल्स आपको फिलअप करना है। आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिसको जॉब के नोटिफिकेशन चाहिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते रहेंगे। तो आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस ट्रेड में हैं तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, तो अप्लाई कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।